नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अभी अभी सूचना मिली है कि इंडस्ट्री एरिया रिको में एक सिक्योरिटी कंपनी में कोई सांप आया है। अभी हमें पता नहीं है वो कौन सा सांप है, जस्ट सूचना मिली है, तो अभी हम जाके देखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, और अगर हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, रात की 2 बज रही है और पुलिस के जवान भी यहाँ मौजूद है, उनकी मौजूदगी में ही ये रेस्क्यू कर रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखिए किस तरह से रेस्क्यू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हमें सांप को कोई मौका नहीं देना है भागने का, क्योंकि सांप अगर एक बार भाग गया तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि गमले के पीछे बैठा है तो जस्ट पास में ही एक पाइप है, उसके अंदर वो जा सकता है, और उसके अंदर गया तो हो सकता है काफ़ी टाइम लगे, और हो सकता है टाइम नहीं भी लगे। तो कोशिश यही रहेगी कि इसको जहाँ पर है वहीं से पकड़ा जाए। तो अब हम जो है अपना रेस्क्यू शुरू कर लिया है, तो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द पकड़ने की। दोस्तों, कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि सांप किसी को काट ले तो क्या होता है, यानी कि मृत्यु होती ही है, या हर बार सांप काटता है मृत्यु होती है। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि सांप जो है ड्राई बाइट करता है, कई बार जो सांप है वो एक लिमिट में जो है बाइट होती है उसकी, कई बार होता है वो एग्रेसिव होने के कारण आपके अंदर ज़्यादा जो जहर है वो भी छोड़ सकता है। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, यानी कि अगर मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं पैदल और अचानक से सांप पे पैर पड़ गया, आपको काट लिया, तो उस समय चिंता करने वाली बात नहीं है, वो बहुत ही कम मात्रा में जहर छोड़ेगा, क्योंकि सांप को भी पता नहीं था आप आने वाले हो, या आपका पैर पड़ गया और आपको भी नहीं पता था। तो उस समय यही होता है कि बहुत ही कम मात्रा में वेनम जो है अंदर जाता है। सांप जो है उस समय सबसे ज़्यादा वेनम छोड़ता है जब वो संभोग के समय में होता है, यानी कि नाग नागिन के जोड़े में होता है। तब अगर आप उसको डिस्टर्ब कर देते हो तो वो तब जो है वो अपना पूरा वेनम जो है आपकी बॉडी में छोड़ देगा, और उससे आपकी मृत्यु जो है वो जल्द से जल्द होगी और काफ़ी कम समय में मृत्यु हो जाएगी। तो हमको ये ध्यान रखना है, जब कभी दो नाग नागिन दिखे या आपको लग रहा होगा कि भाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, संभोग का समय होता है, मेटिंग का टाइम होता है, तो आपको काफ़ी दिखने को मिल जाएंगे। हालांकि अभी यही टाइम चल रहा है गर्मियों का, जो ये अप्रैल महीना रहता है तो ये समय जो है मेटिंग का टाइम रहता है, तो हो सकता है आपको कई जगह दिखे। दूसरा, अगर जब किसी को काटता है तो सेकंड सिचुएशन ये रहती है कि व्यक्ति का वजन कितना है, जितना कम वजन होगा उतना कम समय मिलेगा। मान लीजिए कि व्यक्ति का वजन 25 किलो है तो वो आधे घंटे से पौने घंटे में भी ख़त्म हो सकता है, उसका वजन 50 किलो है तो वो एक घंटे में भी ख़त्म हो सकता है, और अगर उसका वजन और ज़्यादा है यानी कि 100 किलो है तो उसको 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे तक भी जीवित रह सकता है वो, या उसके बाद उसकी मृत्यु होगी। अगर कब, जब आप हॉस्पिटल नहीं ले जाओगे सही समय पे, तब। तो काफ़ी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तभी हमने इसका रेस्क्यू कर लिया है, यानी कि इसको पकड़ लिया उधर से लेके, अब इसको थैली में डालेंगे। दोस्तों, एक और सिचुएशन होती है कि सांप ने जो है वो काटा कहाँ पे, अगर पैर पे काटा है तो वेनम जो है बॉडी में जब ना जहर गया है वो अगर हार्ट तक पहुँचेगा तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, तो तब भी आप ध्यान रखें। दूसरा, जो जिसको काटा है वो चला कितना है, यानी कि जब उसकी बाइट हुई थी वो घर के अंदर था या घर के बाहर कहीं था, वहाँ से वो चल के आपके घर में आया है व्यक्ति जिसको काटा है, तो जितना वो चलेगा, यानी मान लो 100, 200 मीटर, 300 मीटर अगर वो चलेगा तो उतना जल्दी जो है मतलब खून जो है बॉडी में सर्कुलेशन जो है वो तेज हो जाएगा, और उस वजह से काफ़ी जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जहर जो है हार्ट तक पहुँचते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ये जो सांप है, कोबरा सांप है, ये अपने नर्वस सिस्टम पर काम करता है, तो आदमी धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जाता है, बेहोशी में जाने के बाद सीरियस हो जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और कई बार आपने टीवी में देखा होगा जब सांप किसी को काटता है तो मुंह से जाग निकलते, ये सब बेकार बात है, सांप काटता है मुंह से जाग नहीं निकलते, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और दूसरा, आप देखते होंगे कि टीवी में भी देखा होगा, या हो सकता है कहीं देखा हो, सांप जो है पीछा करता है, आंखों में फोटो आ जाते हैं, काफ़ी ऐसे सुना होगा,
दोस्तों मैं आपको बता दूं, सांप जो है चित्र के रूप में नहीं देख सकता, इसलिए ऐसा कुछ ना सोचे कि वो आपसे बदला लेगा। दोस्तों अभी यहाँ पर आ चुके हैं, अब इसको जो रेस्क्यू किया है सांप, इसको भी यहाँ पर छोड़ देंगे। अभी हमको रात के 2:45 हो गए हैं, तो अभी 15 मिनट में लगभग पहुँच जाते हैं। 10 किलोमीटर एरिया रात को सुनसान रहता है वैसे ही, तो फिलहाल यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों जो मैं बाकी बता रहा था आपको, किस समय मतलब कितने टाइम में किसकी डेथ होती है, टाइमिंग वैसे कंफर्म नहीं बता सकते कि इतने टाइम में भी इसकी डेथ होगी। कई बार होता है बाइट होती है, बॉडी में वेनम रहता है, तो वो अपने जो किडनी है या लीवर है उन पे अटैक करता है सीधा, क्योंकि सांप जब काटता है तो सीधा वहीं पे अटैक जाता है उसका। तो आदमी किसी किसी की मृत्यु 1 महीने बाद भी होती है, 2 महीने बाद भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो किसी को सांप ने काटा, अगर मान लो उसको कुछ असर नहीं हुआ, कहीं पे आप भोपा वगैरह के यहाँ पे लेके गए, जा फूक से वो ठीक हो गया, जैसा कि काफी लोग बोलते हैं वहां पे ले जाओ तो ठीक हो जाता है, वहां पे ले जाओ तो ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। आदमी की मृत्यु 3 से 4 महीने बाद भी हो सकती है। मान लीजिए आपका लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, फिर भी मृत्यु तो होगी ना, या उसके लिए ट्रीटमेंट चलेगा तो ज्यादा टाइम चलेगा नहीं, काफी कम समय में मौत भी हो सकती है। तो वो भी ध्यान रखे, सांप काटे तो एक ही इलाज है, हॉस्पिटल जाओ। भोपा के चक्कर में जाओगे, झाड़ फूक के चक्कर में जाओगे तो जरूरी नहीं है आप हाथों हाथ यानी 2 घंटे में मरो या 4 दिन में मरो, आप 2 महीने 3 महीने बाद भी आपकी मृत्यु हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है, अब ये यहाँ से आगे अपने भोजन पानी की तलाश में, जैसा इसको सुरक्षित लगेगा वैसा ही आगे बढ़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं बता चुका हूँ, और भी धीरे धीरे जो अपनी वीडियो है इसमें जो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं व्यक्तिगत इतना तो आप लोगों से मिल नहीं पाऊंगा, क्योंकि हर जगह सांप आते नहीं है और डेली आते नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा वीडियो के द्वारा जितना हो सके जो रेगिस्तानी सांप है उसमें कौन से जहरीले हैं, कौन से बिना जहर वाले हैं, तो उन सभी सांपों की जानकारी दूंगा। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, और वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को जो है वास्तविक जो नॉलेज है, जानकारी है, उस सांप के बारे में मिल जाए। काफ़ी हजारों सालों से हमारे देश में जो है सांपों को लेके अंधविश्वास फैला हुआ है लोगों में, इसलिए हमारी यही कोशिश रहेगी इस अंधविश्वास को मिटाया जाए। धीरे धीरे लोग शिक्षित बने इन चीज़ों को लेके, अंधविश्वास से जो है दूर ही रहें, अपना मतलब जो खुद की बुद्धि है, खुद का दिमाग लगाए, क्योंकि हमारे बाप दादा तो बोल के चले गए, लेकिन अब हमको आगे बढ़ना है।